तो चलो प्यारे बच्चों, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है और ये पूछते हैं कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या सर हमेशा जीरो होता है, और इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं लंबे टाइम तक वर्क डन बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। एक्चुअल में जो वर्क डन बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बट वर्क डन बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन का टोटल वर्क डन उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जहाँ लग रहा है दो सरफेस के बीच, उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन का टोटल ओवरऑल वर्क डन निकालोगे तो वो जीरो आएगा। तो नेट वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा जीरो होता है, पर वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। सबसे आसान है जीरो वाला समझना। अगर मैं इस पे 3 न्यूटन का फोर्स लगा देता हूँ इधर को मैग्नीट्यूड में, बट ये ब्लॉक चला ही नहीं, मान लो 3 न्यूटन ज़्यादा होता है पर ये ब्लॉक चला ही नहीं, रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो इसको पीछे की डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन लगा होगा जो इस अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा जिसकी वैल्यू 3 न्यूटन होगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो हो गया। और वर्क डन क्या है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का ये बहुत सारे लोग तो ये डिफिनेशन ही इनको नहीं पता होता है। एफ क्या है, वह फोर्स है जिसका वर्क निकाला जा रहा है। डी क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का डिस्प्लेसमेंट जिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे फोर्स एफ लग रहा है। तो ये अब इसको डी को क्या बोलते हैं, रोड डिस्प्लेसमेंट है। अरे भैया डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इन जनरल जो है मोर प्रिसाइज ज़्यादा क्लियर नहीं होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का डिस्प्लेसमेंट है जिस पॉइंट पे एफ लग रहा है। चलो यहाँ से तो ये जो है ये कुल मिला के यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो वर्क डन बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन क्या आ गया मेरे भाई, यहाँ पे जीरो आ गया वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि वर्क ही नहीं हुआ कुछ, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। बट ये बात हमेशा सही नहीं होता है। ये दो ब्लॉक रखे हैं, ये दो ब्लॉक, अगर मैं इस पर फोर्स एक लगाता हूँ नीचे वाले ब्लॉक पर और ये मोशन इधर जो बड़ा वाला ब्लॉक है वो मोशन करने लगता है और ऊपर वाला ब्लॉक उसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है मान लो, तभी तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ऐसे 2D व्यू बना देता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा यहाँ से, कि अगर एक सरफेस हम लोगों के पास, दिस इज द सरफेस, अब इस सरफेस पे एक बड़ा वाला ब्लॉक है और इस पे मैं एक लगाया फोर्स एफ वॉट एवर, बट यहाँ पर एक ब्लॉक है और वो जो ब्लॉक है बेसिकली वो, अब ये सरफेस मान लो स्मूथ है, लेट अस सपोज दैट इट इज़ अ स्मूथ, है ना, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा स्मूथ सुन के, क्योंकि फोर्स लगाएं, जैसे ही फोर्स लगाएंगे ये नीचे वाला ब्लॉक चलने लगेगा, कितनी भी छोटा सा जीरो से अधिक फोर्स लगा दोगे तो इसको तो चलना ही होगा, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम लगा दो भैया जितनी तुम लगा सकते हो, लेकिन जैसे ही नॉन जीरो फोर्स लगाओगे वैसे ही ये वाला ब्लॉक चलने लगेगा क्योंकि इसको रोकने वाला कोई है ही नहीं इधर। बट यहाँ पे ये जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है यार, दिस सरफेस इज नॉट स्मूथ, यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है और मैं मान लेता हूँ ये रेस्ट में है इसके रिस्पेक्ट में, तभी तो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। ये ब्लॉक आगे जा रहा है और ये ब्लॉक उसके ऊपर जा रहा है, जैसे बस होती है ना यार, बस के ऊपर बैठ गए, बस चल रही है स्मूथ सरफेस में, मान लो ऐसे स्मूथ सरफेस आइडियल है, तो बस के ऊपर बैठे तो ऐसा कुछ सीनेरियो है, तो ये जा रहा आगे, ये इसके ऊपर जा रहा, पर ये इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो अब मुझे ये समझना है कि फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इन दोनों के कॉन्टैक्ट पे यहाँ आएगा। फ्रिक्शन फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, बिना कॉन्टैक्ट के फ्रिक्शन नहीं आएगा, फ्रिक्शन दूर से नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये ब्लॉक इस वाले ब्लॉक पे, इस ब्लॉक का नाम ए रख देता हूँ, इस ब्लॉक का नाम बी रख देता हूँ, इस वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर आएगा, तो इस वाले ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन आएगा वो ऑब्वियसली इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में स्टैटिक आएगा, तो स्टैटिक आएगा तो किधर आएगा, तो आपने फोर्स इस पे लगाया था तो ये क्यों आगे जाएगा यार, इसको कौन सा फोर्स एक्सेलरेट कर रहा है, तो सिंपल सी बात है कि इसको एक फ्रिक्शनल फोर्स आगे एक्सेलरेट कर रहा होगा और ये एक स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है,
ठीक है, ये जो है वो किस पे लगा, ए पे लगा, किसने लगाया, बी लगाया। तो न्यूटन थर्ड लॉ से अगर न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई करोगे मेरे भाई, तो ए भी बी पे लगाएगा किधर, पीछे की डायरेक्शन में, इधर कितना लगाएगा, कुछ अमाउंट लगाएगा, जितना ये होगा उतना ये होगा पीछे की डायरेक्शन में। तो मान लो टी टाइम से यहाँ कोई ऑब्जर्वर यहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट टी इक्वल टू जीरो पर देखना स्टार्ट कर दिया, और टी टाइम बाद ये जो ब्लॉक है वो एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये ब्लॉक यहाँ आ गया और इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स हो गया। तो ब्लॉक ए के बारे में सोचो, ब्लॉक ए इसके रिस्पेक्ट में वर्क इज ए रिलेटिव, वर्क क्या है, एक रिलेटिव चीज़ है। अगर इस पे बैठ के देखोगे तो वर्क डन जीरो आ जाएगा मेरे भाई। मैं ये ग्राउंड से यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से मुझे ले रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ सारा गेम, ठीक है। तो यहाँ से देख रहा हूँ भाई, अगर ऊपर से देखोगे इसी पे चढ़ के देखोगे तो उसके रिस्पेक्ट में तो ए का डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, तो उसके रिस्पेक्ट में ए का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो उसके इस रिस्पेक्ट में वर्क डन जीरो हो गया। बट अगर मैं ग्राउंड से देखूँ तो टी, ये मान लो आगे एक्स चला गया, तो अगर आगे x चला गया तो ये वाली जो ये a पर वर्क डन डिस्प्लेसमेंट भी आ गया है, फ्रिक्शन भी आगे लग रहा, तो वर्क डन मान लो क्या वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा, cos थीटा दोनों वेक्टर के बीच जीरो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स। तो वर्क डन मान लो ये फ्रिक्शन f s cos जीरो और x डिस्प्लेसमेंट, मतलब पॉजिटिव एफ एक्स आ जाएगा, दिस इज द वर्क डन, ठीक है। तो जो ए वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव आ गया। व्हाट अबाउट बी, बी वाले पे हम देखो, हाँ इस फोर्स का हमें नहीं निकालना है, इस फोर्स का हमें नहीं, हमें सिर्फ फ्रिक्शन का वर्क डन निकालना है। तो ये जो बी वाले पे फ्रिक्शन इतना लगा, और बी वाला जो ब्लॉक है अगर ये यहाँ इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये फोर्स लगा था उस पॉइंट पे ये एक्स डिस्प्लेसमेंट आगे चला गया और बी वाले पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो B वाले पे वर्क डन ऑन B जो है वो माइनस एफ एक्स हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से A पे तो स्टैटिक फ्रिक्शन का A पे वर्क डन पॉजिटिव है और स्टैटिक फ्रिक्शन का B पे वर्क डन निगेटिव है। अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन का नेट वर्क डन जीरो आ जाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन ए पर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पर नेट वर्क डन हमेशा जीरो होगा। तो आई होप कि आप क्लियर हो गया होगा।